तो आज हम लोग फ्री फायर का लोगो बनाना सीखने वाला है, वो भी खुद का फोटो से एंड बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से। तो हेलो भाई ब्रदर्स, वेस्ट नो टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस इस रीडिंग को हम टू स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेप तो ये है कि हमें इसका कैरेक्टर बनाना पड़ेगा, वो भी खुद का फोटो से, एंड दूसरा स्टेप ये है कि हमें इसका लोगो बनाना पड़ेगा उस कैरेक्टर से, ठीक है। तो चलो फिर पहले कैरेक्टर को बनाते हैं, देन एडिट को करते हैं, ठीक है। तो गाइस कैरेक्टर बनाने के लिए आपको सबसे पहले पिक्सआर्ट को ओपन करना होगा, ठीक है। एंड गाइस पिक्सआर्ट को ओपन करने के बाद आपको सिंपली प्लस वाला आइकन प्रेस करना होगा, एंड इसके बाद आपको सिंपली ऑल फोटोज पे जाना होगा, ठीक है। एंड आपका जो गैलरी है इधर जाने के बाद आपको एक PNG को ऐड करना होगा। एंड गाइस आप देख सकते हो कि मैं PNG को ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। एंड गाइस इधर ऐड करने के बाद आपको सिंपली ऐड फोटो ऑप्शन के अंदर जाना होगा, ठीक है। एंड आपको आपने जो फोटो क्लिक करा था ना, उस फोटो को ऐड करना होगा, ठीक है। एंड गाइस आपको मैं ये दिखा दूंगा कि आपको ऐसे फोटो क्लिक करना है, पहले तो फोटो को ऐड कर लेते हैं भाई। तो गाइस आप देख सकते हो मैं अपना हेड को ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। वैसे आप देख सकते हो मैं कैसे पोज देकर अपना फोटो क्लिक करा हूँ, मतलब सेल्फी लिया हूँ, ठीक है। आपको भी कुछ इस टाइप से आपका हेड को रख कर सेल्फी लेना होगा, ठीक है। आपको बस इधर हेड ही चाहिए, बाकी सब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। एंड गाइस इधर इसको ऐड करने के बाद आपको इसका जो ओपासिटी आता है ना, इसको आपको सिंपली कम कर देना होगा, ठीक है गाइस। एंड इसके बाद आपको इधर इसको कुछ इस टाइप से छोटा करना होगा, मतलब कैरेक्टर के हिसाब से छोटा करना होगा, ठीक है इसको। एंड इसके बाद इसको कुछ इस टाइप से ट्रे भी करना होगा, ठीक है, जिसके कारण से अच्छे से मिल जाएगा, मतलब एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि इस कैरेक्टर का जो मतलब जो कैरेक्टर है ना, इसका जो हेड आता है वो कुछ इस टाइप से मतलब ट्राई रहता है, ठीक है। तो वैसे आप देख सकते हो मैं काफ़ी अच्छे से अपना जो मॉडल का मतलब हेड था वो काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर लिया उड़े। एंड गाइस इसके बाद आपको सिंपली इधर पर से टॉप करना होगा, एंड इसके बाद आपको ओपेसिटी को फुल कर देना होगा, ठीक है गाइस। एंड इसके बाद आपको सिंपली इधर आर्ट शॉल ऑप्शन पर जाना है, एंड फिर से इरेज को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। इरेज पर आने के बाद आपको इधर ऐसे इरेज कर देना होगा, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल इस टाइप से करना है इसको, ठीक है। एंड इसके बाद गाइस आपको फिर से रिस्टोर को लेना है पेन वाला आइकन को, एंड इसके बाद आपको कुछ इस टाइप से इधर रिस्टोर करना है, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। सिंपल है यार, बहुत ही इजी है, बस आपको इधर थोड़ा बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि ये जितना अच्छी जब करोगे उतना रियलिस्टिक ही लगेगा अपने फोटो को, तो ध्यान देकर करना है, ठीक है। एंड गाइस अब देख रहे हो जो मेरा जो टी शर्ट था, जो शर्ट था वो इधर दिख रहा है, ठीक है। तो इसे आपको काफ़ी अच्छी से रिमूव करना होगा। तो गाइस इसके बाद आपको सिंपली कर देना होगा डन, एंड गाइस इसके बाद आपको सिंपली फिर से डन कर देना होगा, ठीक है। एंड गाइस अभी आप देख ये देखो कि गाइस इधर जो हैंड है इसका एक करेक्टर का, वो हैंड के साथ हमारा जो फेस था वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसे मैच करना होगा, तो मैच करने के लिए आपको सिंपली गाइस इधर जो मतलब ये जो टूल्स वाला आइकन दिख रहा है ना आपको ऊपर की साइड, इसको आप कर देंगे टैप, एंड इधर जो आपको एडजस्ट दिख रहा है इधर देखो, इसके ऊपर कर देंगे टैप, ठीक है। एंड इसके बाद आपको सैचुरेशन पे आना होगा गाइस सिंपली, एंड इसके बाद आपको इधर जो सैचुरेशन है इसको हमें ऐसे लो कर देना होगा, मतलब डिक्रीज कर देना होगा, ठीक है, 28 के आसपास रखना है। एंड इसके बाद आपको सिंपली इरेज वाला आइकन पे जाना होगा, एंड गाइस इसको आपको इन्वर्ट कर देना होगा, ठीक है, सिंपल सा बात है। एंड इसके बाद आपको फिर से रिस्टोर लेना होगा गाइस, मतलब पेन वाला आइकन को, एंड इसके बाद आपको सिंपली आपका जो फेस है इसके ऊपर रिस्टोर कर देना होगा, ठीक है। जैसे भी मेरे दरवाजे हैंड के ऊपर भी देना, अच्छी लगेगा ये, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हो काफ़ी सब कुछ हमारा रेडी हो चुका है, एंड इसके बाद आपको सिंपली कर देना होगा गाइस डन, एंड फिर से आपको डन ही कर देना होगा, ठीक है। एंड अब देख सकते हो तो हमारा कैरेक्टर बिल्कुल भी रेडी है, एंड इसके बाद आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है, इधर डाउनलोड करना। एंड गाइस अभी हम करेंगे लोगो मेक करेंगे, मतलब इस कैरेक्टर से हम अपना लोगो मेक करेंगे, तो चलो लोगो बनाते हैं। तो आपको लोगो बनाने के लिए सबसे पहले इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना होगा, ठीक है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसे ऐड करने के बाद आपको सिंपली फिर से ऐड फोटो ऑप्शन पर जाना होगा, ठीक है। ऐड फोटो ऑप्शन पे आने के बाद आपको जो आपने जो कैरेक्टर को बनाया था ना, उस कैरेक्टर को आपको सिंपली ऐड कर लेना होगा। अब देख सकते हो मैं ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। एंड इधर इसको ऐड करने के बाद इसको बड़ा कर लेना होगा, ठीक है, छोटा बिल्कुल भी नहीं रखना है, बड़ा करना हो इसको बड़ा करना है, ठीक है। बड़ा करने के बाद आपको इधर क्या करना है, बड़ा करने के बाद आपको सिंपली इसका जो ऑपोसिटी है इसको माइनस पे रखना है, ठीक है। एंड इसको 30 नहीं, 30 नहीं, इसको
33 के आसपास रखना, ठीक है। एंड इसके बाद आपको सिंपली इसको डाउन कर देना होगा गाइस। एंड इसके बाद आपको सिंपली फिर से एडपोर्ट ऑप्शन पे जाना ही होगा, मतलब जाना होगा। एंड इसके बाद आपको सिंपली अपना गैलरी पे जाना होगा एंड एक और पीएनजी को ऐड करना होगा। एंड गाइस आपको ये जो पीएनजी दिख रहा है ना, इसको ऐड करना होगा, ठीक है। एंड इसके ऐड करने के बाद आपको इधर इसको बड़ा कर लेना होगा एंड सिंपली इसको रिमूव, मतलब इधर रोटेट करना होगा, ठीक है। एंड गाइस अभी इधर एक प्रॉब्लम आप देख सकते हो कि जो ब्लैक साइड है इसे हमें रिमूव करना होगा। तो इसे रिमूव करने के लिए आपको सिंपली इसको इधर जो ब्लेंड वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इसके ऊपर टैप कर देना होगा एंड गाइस इसको सिंपली स्क्रीन कर देना होगा। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी से हमारा इधर रिमूव हो चुका है। इधर इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, हाँ सही नहीं रहा अभी, अभी सही लग रहा है मेरे को। तो ऐसे इसको एडजस्ट करने के बाद, मतलब ऐड करने के बाद आपको सिंपली फिर से ऐड ऑल ऑप्शन पे जाना होगा इधर। एंड गाइस आपको इधर फिर से वही कैरेक्टर को ऐड कर लेना होगा जिसको आप बना चुका हो पहले। एंड इधर इसको ऐड करने के बाद इधर इस बार इसको इतना रखना होगा, ठीक है, कुछ इतना सही लग रहा है मेरे को, हाँ। तो गाइस अब देख सकते हो चुका है। एंड इसके बाद आपको सिंपली इरेश वाला ऑप्शन पे जाना होगा एंड फिर से इरेश को लेना होगा, ठीक है। एंड गाइस इसके बाद आपको उधर नीचे मतलब जो ये वाला साइड है इसको आप ऐसे रिमूव कर देना होगा। एंड इसके बाद फिर से रिस्टोर लेना होगा। एंड गाइस इधर सही से मतलब अच्छी से इधर इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, अच्छी तरीके से, हाँ सही होगा। तो गाइस अब देख सकते हो हमारा जो लोगो मेकिंग था वो काफ़ी सही से हो चुका है, ठीक है। एंड इसके बाद इस लोगो पे हमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब बैकग्राउंड के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये हम पिक्सेल में ही हो जाएगा, ठीक है, लाइट रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आप सिंपली टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना होगा। एंड गाइस इधर फिर से ये जो एप मतलब एडजस्ट पे आने के बाद एडजस्ट पे आना होगा, ठीक है। एडजस्ट पे आने के बाद आपको इधर जो ब्राइटनेस वाला आइकन दिख रहा है ना, इसको थोड़ा बहुत बढ़ा देना। एंड गाइस इसके बाद जो सैचुरेशन होता है इसको आपको डिक्रीज कर देना होगा, ठीक है, कुछ इतना डिक्रीज कर देना, सिंपल सा फंडा है। एंड इसके बाद आपको जो इधर हाईलाइट्स दिख रहा है इसको भी थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो, ठीक है, बढ़ाना। एंड और क्या इसका तो आपको डाउन कर देना होगा, ठीक है। एंड गाइस इधर जो आप नीचे की साइड मतलब ये जो साइड दिख रहा हो ना, ये वाला साइड दिख रहा है जो जिधर मैं टैप कर रहा हूँ, इस साइट में आप अपना नाम दे सकते हो, अपना चैनल के नाम यार कभी अब जो नाम आपको पसंद है ना उसे आप इधर ऐड कर सकते हो, मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस इधर इससे हो जाने के बाद आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। एंड गाइस अभी और मैं क्या बताऊँ गाइस, आपको अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। यही था वीडियो। एंड गाइस फोटो कैसे लग रहा है लोगों को ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल गाइस।